हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम कॉकरोच के हेड पार्ट्स की बात करी थी, तो आज का हमारा टॉपिक है माउथ पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच। तो आज हम कवर करेंगे कि कॉकरोच के माउथ पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो कौन कौन से पार्ट, आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट आते हैं। पहला पार्ट हम बोलेंगे मैंडिबल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द माउथ। देन सेकेंड वन इज लैब्रम एंड द थर्ड वन इज हाइपोफैरिंग्स एंड द फोर्थ वन इज लेबियम, जिसके अंदर मैंडिबल पेयर में पाए जाते हैं आपके जो मैक्सिला है। दिस इज योर मैक्सिला। मैक्सिला भी किस में मिलते हैं? मैक्सिला भी पेयर में मिलते हैं। मतलब ये सारे माउथ पार्ट हैं। अगर हम कॉकरोच का माउथ देखते हैं तो हमें अरेंजमेंट कैसे देखने को मिलेगी? हमें एक मैंडिबल यहाँ देखने को मिलेगा, एक मैंडिबल इसके जस्ट सामने, एक मैक्सिला आपको नीचे देखने को मिलेगा और एक मैक्सिला इसके सामने, और यहाँ पर आपको लेबियम देखने को मिलेगा और ऊपर लैब्रम देखने को मिलेगा, और बीच में क्या मिलेगा? बीच में हाइपोफैरिंक्स देखने को मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे, देन बाद में इसकी हम अरेंजमेंट को दोबारा समझेंगे। तो आइए, माउथ के अंदर सबसे पहला पार्ट जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, जरिए पढ़ते हैं। मैंडिबल जो कि आपको यहाँ पर एक प्लेट के जैसा दिख रहा है, इस मैंडिबल के इनर साइड में, एंटीरियर साइड में आपको ये रिजिस दिख रही हैं। दिस रिजिस आर नथिंग बट टीथ्स। ये आपके कुछ और नहीं, ये क्या है? ये टीथ हैं इस कॉकरोच के। और यहाँ पर आपको एक प्लेट देखने को मिल रही है जो इस मैंडिबल से फ्यूज है, एंड दिस प्लेट इज नोन एज प्रोस्थीका। तो मैंडिबल के इनर साइड पे, इनर अपर साइड पे प्रोस्थीका फ्यूज हो रखा है, और मैंडिबल के इनर साइड पे आपको टीथ देखने को मिलते हैं। अगर इनके पास टीथ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। ये फूड को ग्राइंड करने में काम आते हैं, फूड पार्टिकल्स को कट करने में ये हेल्प करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो तरह के मसल्स देखने को मिले, इनको बोलते हैं एडक्टर्स मसल्स, इनको बोलते हैं एबडक्टर्स मसल्स। हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर समझेंगे कि एबडक्टर्स मसल्स क्या होती हैं और एडक्टर्स मसल्स क्या होती हैं। तो ये जो मैंडिबल है ये एक पेयर में पाए जाते हैं, और इनके इनर साइड पे क्या मिलती हैं? टीथ देखने को मिलते हैं, और ये टीथ क्या करते हैं? ये फूड को कट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया मैंडिबल का फंक्शन, और ये हो गया इसका डायग्राम। अगला पार्ट जो आता है जिसे हम बोलते हैं लैब्रम। लैब्रम जिसे हम अपर लिप भी कहते हैं, हम कॉकरोच का अपर लिप किसे कहते हैं? लैब्रम को कहते हैं। और इस लैब्रम का आप देखिए, इनर साइड पे आपको एक नोच देखने को मिल रही है, एक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एक प्लेट देखने को मिल, जिसको हम बोलते हैं एपीफेरिंग्स। ये एपीफेरिंग्स इस लैब्रम के साथ जुड़ा हुआ है, फ्यूज हो रखा है। इस एपीफेरिंग्स का काम होता है टेस्ट बताना। कोई भी फूड पार्टिकल है उसका टेस्ट क्या है वो आपका एपीफेरिंग्स बताता है। और लैब्रम का फंक्शन क्या है? लैब्रम का फंक्शन होता है टू होल्ड द फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल को होल्ड करने का काम करते हैं। जो तीसरा पार्ट हमारा आता है वो आता है हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स जिसे हम कॉकरोच का टंग भी कह सकते हैं। इस हाइपोफेरिंग्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ साइड में एक ट्यूब जा रही है, दिस ट्यूब इज नोन एज एफरेंट सलाइवरी डक्ट। और इसकी ओपनिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ एफरेंट सलाइवरी डक्ट। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर है हाइपोफेरिंग्स का, और जो काम आपकी बॉडी में आपके टंग करती है वही काम इनकी बॉडी में ये हाइपोफेरिंग्स करते हैं। सो हाइपोफेरिंग्स का काम क्या है? हेल्प इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। ये फूड की मास्टिकेशन करते हैं, फूड को कट होने के बाद प्रॉपर सलाइवा से मिक्स करने का काम किनका होता है? इन हाइपोफेरिंग्स का होता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट मैक्सिला। मैक्सिला के पार्ट को हम तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट।
तो तीन पार्ट में हम मैक्सिला को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला पार्ट कौन सा? प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। आप देखेंगे इस मैक्सिला के अंदर अपर पार्ट पे बिल्कुल ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज कार्डो। और इस कार्डो के नीचे आप जो पार्ट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज स्टाइप। और इस टाइप के नीचे जो आप इनर साइड पे एंटीरियर साइड में जो ये आप ये पोर्शन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेसिनिया। और इस लेसिनिया के जस्ट बिहाइंड जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज गेलिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट है, दिस इज नोन एज पेल्फिफर। और ये जो आप देख रहे हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज मैक्सिलरी पाल्प। यहाँ पर आपके फाइव होते हैं मैक्सिलरी पाल्प, ठीक है। और ये जो मैक्सिला आपको जो पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको हमने तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट करा है, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट के अंदर कार्डो और स्टाइप को हम प्रोटोपोडाइट का पार्ट मानते हैं, जबकि गेलिया और लेसिनिया को, मतलब लेसिनिया और गेलिया को, इन दोनों को हम एंडोपोडाइट कहते हैं। जबकि जो आपका लास्ट में आ रहा है मैक्सिलरी पाल्प, जो ये वाला पोर्शन पड़ रहा है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सोपोडाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऊपर वाला प्रोटोपोडाइट, नीचे वाला आपका एंडोपोडाइट और बाहर के साइड वाला आपका एक्सोपोडाइट। काम क्या होता है मैक्सिला का? मैक्सिला का काम भी होता है टू होल्ड द फूड पार्टिकल। ये भी फूड को होल्ड करने में हेल्प करता है। और जो इनके एंटीना होते हैं, उन एंटीना को क्लीन करने का काम भी किसका होता है? मैक्सिला का। मतलब ये आपके एंटीना को क्लीन करने में भी काम आते हैं, दूसरा फूड को होल्ड करने में भी काम आते हैं। देन आपका जो आता है, जिसको हम बोलते हैं लेबियम। इस लेबियम के ज़रा आप पार्ट्स देखिए। अपर मोस्ट पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज नोन एज सबमेंटम। इसके नीचे जो पार्ट है, इसको बोलते हैं प्रीमेंटम। और इस सॉरी मेंटम, एंड इस मेंटम के नीचे क्या है? प्रीमेंटम। इस प्रीमेंटम से दो दो रिजिस निकले हैं दोनों साइड पे। इनर रिजिस को बोलते हैं ग्लोसा और आउटर रिजिस को बोलते हैं पैराग्लोसा, ठीक है। ये ग्लोसा और ये पैराग्लोसा। और आप साइड में देख रहे हैं आपके फिर से एक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, जैसे हमने क्या बोला, लेबियल पाल्प। ध्यान देना, लेबियल पाल्प अलग होता है और मैक्सिलरी पाल्प अलग होता है। मैक्सिला से निकलने वाला जो स्ट्रक्चर होगा हेयर लाइक, उसे हम बोलेंगे मैक्सिलरी पाल्प। और हेयर से और लेबियम से निकलने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लेबियल पाल्प। यहाँ पर लेबियल पाल्प कितने होते हैं? 3। मैक्सिलरी पाल्प कितने होते हैं? 5। यहाँ पर जो लेबियम होता है, लेबियम जिसको हम लोअर लिप भी कहते हैं, ये फूड को बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर ले जाने का ये काम करता है। इसका भी काम करता है फूड को होल्ड करना और उसको माउथ के अंदर उसको एंटर करवाना। सो यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हैं, मैंडिबल आपका फिर आ गया, कौन सा पार्ट आपका आ गया, लेब्रम, फिर आ गया हाइपोफेरिंग्स, फिर आ गया मैक्सिला, फिर आ गया आपका लेबियम। ये 5 पार्ट हैं इनके, आपको फंक्शन याद होने चाहिए। मैंडिबल का काम कटिंग, फूड को होल्ड करना, फूड की मैस्टिकेशन कराना, यहाँ पर क्या बोलेंगे, होल्डिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एंटीना, यहाँ पे फूड का होल्ड करवाना और फूड को माउथ के अंदर एंटर करवाना। अब आइए देखते हैं इनकी अरेंजमेंट कैसी है बॉडी के अंदर। तो इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर दो साइड में मैंडिबल लगे होते हैं, मैंडिबल के साइड में क्या होता है, लेब्रम लगा होता है। नीचे मैक्सिला होते हैं दो, और इनके बीच में क्या होते हैं, लेबियम, और इनके बीच में क्या होता है, हाइपोफेरिंग्स। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर देखे हैं, इनकी अरेंजमेंट में क्या बोलेंगे, दोनों साइड पे ऊपर मैंडिबल, नीचे दोनों साइड पे मैक्सिला, और बीच में आपका हाइपोफेरिंग्स। लेब्रम को हम बोलते हैं अपर लिप, लेबियम को हम बोलते हैं लोअर लिप, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इनका स्ट्रक्चर याद रखना है और इनका फंक्शन याद रखना है, और इनकी अरेंजमेंट तो ऑफ कोर्स आपको याद रखनी ही रखनी है। तो आज हम माउथ पार्ट तक अपना वीडियो मतलब एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉकरोच के नेक्स्ट पार्ट को। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे आप कमेंट दीजिए अपने। ओके।